Hello students, good morning. Today in 8th class mathematics, we are continuing the chapter algebraic expressions. And today we are starting exercise 9.2. Questions bachcho saamne rakhna, book ko saamne rakhna, and we'll be doing the problems very quickly. Question 1, questions copy nahi karenge. Find the product of the following pairs of monomials. कौन कौन से मोनोमियल्स मल्टीप्लाई करने हैं वो लिखते रहे डायरेक्ट. 4 × 7p, सो 4 × 7p विल बी 28p. सो फर्स्ट पार्ट, तो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे और p जैसा है वैसा ही रहेगा. अब −4p and 7p सेकेंड पार्ट में, −4p and 7p में −4p × 7p लिखेंगे. This will be −4 × 7 and p × p. ऐसा लिखते हैं. So this will be −28p². p × p जो है, that will be p². अब question number third देखो. Third part of the first question. −4p and 7pq. So this will be −4p × 7pq. अब इसको कैसा लिखेंगे बच्चों? This will be −4 × 7. ये लिख लिया और फिर × p × p ये लिख लिए × q. सो दिस विल बी −28p²q. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी −28p²q. नेक्स्ट, इसके बाद फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में 4p³ and −3p, this will be 4p³ × −3p. तो इसको कैसे लिखेंगे? −4 × 3. नंबर्स को एक साथ लिख लिया इन मोनोमियल्स में और p वाले टर्म्स को एक साथ, p वाले टर्म्स और p³ × p, मतलब ये p मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स एंड p मल्टीप्लाइड 1 टाइम्स. सो टोटल दिस विल बी p मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स. सो आंसर टू दिस विल बी −12p⁴. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. Fourth part of the first question. A fifth part में 4p × 0, तो 4p × 0 and anything multiplied by 0 is a 0. है ना, आप फिर कितने भी numbers multiply करो answer से 0 आने वाला. अब इसके बाद next है, find the area of the rectangles. Next question में देखना, find the area of the rectangles with the following pairs of monomials as their length and breadth. अब question में बच्चों इन्होंने length और breadth दिए हैं और ये bracket में दिए हुए हैं, मतलब सारे बहुत सारे brackets दिए हैं, मतलब bracket में दो numbers लिखे हुए हैं. The first number represents the length and the other represents the breadth. अब जैसे example के लिए क्वेश्चन नंबर टू में फर्स्ट पार्ट, इसमें इन्होंने बोला है p और q. इसका मतलब ये है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, मतलब ये p है, ये q है. तो एरिया विल बी व्हाट? लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लेंथ इज p एंड ब्रेथ इज q. सो द आंसर विल बी स्पेसिफाइड एज व्हाट? pq. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अभी हम लोगों को मालूम है, क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ इनटू ब्रेथ अगर सॉल्व करो तो pq आएगा. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में 10m, 5n दिया है, तो मतलब लेंथ 10m है और ब्रेथ 5n है. तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ यानी 10m × 5n, और ये कितना आ जाएगा? 50mn. लेंथ की वैल्यू बच्चों अभी हमने 10m लिख दिया, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 5 50 आ जाएगा और m × m को mn लिख लेंगे. थर्ड पार्ट दे 20x² and 5y² length 20x² और breadth
5y square, तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ 20x square एंड 5y square। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 20 into 5, ये लिखा x square into y square, तो ये आ जाएगा 100 20 into 5, 100x square y square, सो द आंसर टू दिस विल बी 100x square y square, थर्ड पार्ट है ना। तो इसमें पूरे में आपको क्या करा रहे हैं, ये प्रैक्टिस करा रहा है टू मल्टीप्लाई मोनोमियल्स, है ना, जिसको कि अभी हम लोग आगे यूज करेंगे ना, आगे की एक्सरसाइजेस में थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, फोर्थ पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, 4x and 3x square, 4x, 3x square, तो इसमें बच्चों ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बताना है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, लेंथ कितनी है 4x है और ब्रेथ कितनी है 3x square, तो इसको कैसा लिखेंगे, नंबर्स को एक साथ लिख लो, है ना। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है, सिंपल है, 4 into 3 और x into x square, है ना, तो ये आ जाएगा 12x into x square विल बी व्हाट, x³, सो दिस इज द आंसर 12x³। फिफ्थ पार्ट देखो, 3mn and 4np। अब देखो लेंथ बच्चों 3mn है और ब्रेथ कितनी है 4np, तो अब क्या करोगे, एरिया निकालने के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ यूज कर लो, एरिया इज व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब 3mn इनटू ब्रेथ, देखो mn इनटू ब्रेथ इज 4np। अब इसको कैसे लिखेंगे, 3 into 4 लिखा, अब उसके बाद m लिख लिया, उसके बाद n into n, ये एक n है ये n है, into p, इसको कैसे लिखेंगे, 12 m n square, n into n को n square into p, so this will be the answer, so this was what question number 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों, ये थोड़ा सा बड़ा इन्होंने दिया हुआ है इन टैबुलर फॉर्म, तो वो अभी हम लोग उसी टैबुलर फॉर्म में कॉपी कर लेंगे और उसके प्रोडक्ट्स निकाल लेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट द ऑब्जेक्टिव टू गिव सो मेनी प्रॉब्लम्स इज सो दैट यू आर एबल टू डू, मतलब प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाए और आप यू आर एबल टू परफॉर्म द मल्टीप्लीकेशन which will be presented in the subsequent exercise। अब क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने मल्टीप्लीकेशन करने को बोला है और मल्टीप्लीकेशन करने में पॉलिनोमियल्स इन्होंने ऐसे दिए हुए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दी फर्स्ट मोनोमियल इज गिवन हियर, ये दिया है 2x minus 5y और ये 3x square और ये -4xy, -7x square y और ये कितना था -9x square y square, सेकेंड यहां पर दिया 2x minus 5y, फिर उसके बाद नेक्स्ट दिया है 3x square minus 4xy, फिर उसके बाद 7x square y,
माइनस नाइन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दीज आर द टर्म्स विच आर गिवन। और सिंपल सी एक ट्रिक है बच्चों, ट्रिक क्या है कि एक एक नंबर एक एक वेरिएबल को अभी आप मल्टीप्लाई करते जाएं, जस्ट चेक नंबर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर यहां पर लिखना, और आंसर लिखते समय देखना ध्यान से, पहले तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 बच्चों 4 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ गया, फिर आप x वाले नंबर्स देख लेना फिर y वाले, तो x इंटू x कितना आ जाएगा x स्क्वायर। अब इसको अगर आप देखो नेक्स्ट वाले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इसमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 2 10 आएगा, माइनस साइन तो है माइनस 10, फिर x वाले नंबर्स देख लो, x वाला नंबर ये है और y वाला नंबर, तो पहले नंबर्स ये याद रखना, पहले नंबर्स ले लो फिर एक एक वेरिएबल। अब हमने सीक्वेंस क्या सिलेक्ट किया, पहले x सिलेक्ट कर लिया फिर y, आप पहले y कर लो फिर x कर लो। अब इसको देखो 3 इंटू 2 6 आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये दो बार x मल्टीप्लाइड है, ये एक बार है तो x क्यूब आ जाएगा, सो यू हैव टू कंप्लीट द टेबल। अब इधर कितना आएगा, नंबर्स मल्टीप्लाई करो, जस्ट ट्राई टू सी, है ना, ये आ जाएगा माइनस 8, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके बाद y है तो y लिख लिया। अब इन दोनों को देखो, नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 7 2 14, फिर x वाले नंबर्स, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आएगा, फिर उसके बाद y, ये लिख लिया, फिर उसके बाद इसको देखो माइनस 9 2 18, ठीक है, फिर x वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स स्क्वायर कितना आएगा बच्चों एक्स क्यूब, पहले नंबर्स देखो 9 2 18 और माइनस साइन है, ये माइनस साइन छूट गया था बच्चों, और फिर x वाले नंबर्स x क्यूब आ जाएगा और फिर y स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी विल बी कंप्लीटिंग, है ना, तो आप चाहो तो चेक कर लेना, आंसर्स को चेक करते जाना, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है बच्चों, जहां जहां पर माइनस साइन है वहां माइनस साइन आना चाहिए, बस यही गलती होने के चांसेस है। अब देखो इन दोनों को देखो, यह आ जाएगा माइनस 10, नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, माइनस 10 एक्स वाई, फिर उसके बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ जाएगा 25, माइनस 5 इंटू माइनस 5 प्लस 25, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, फिर इसको देखो 3 इंटू 5 माइनस 15, फिर एक्स वाले टर्म्स फिर वाई वाले टर्म्स, फिर इसको देखो माइनस 4 इंटू माइनस 5, ये कितना आ जाएगा 20, और फिर एक्स है तो एक्स लिख लिया, फिर वाई इंटू वाई कितना आ गया वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद इसको देखो 7 5 35, तो ये माइनस 35 आ गया, और उसके बाद एक्स स्क्वायर आया, और वाई इंटू वाई कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर, है ना, तो पहले नंबर्स देख लो माइनस 35, फिर एक्स वाले नंबर्स एक्स वाले टर्म्स और फिर वाई वाले। अब इसको देखो इधर कितना आएगा, माइनस 9 इंटू 5, ये प्लस 45 आएगा बच्चों, माइनस 9 इंटू माइनस 5 प्लस 45, फिर एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स फिर वाई वाले, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई जो है कितना जाएगा वाई क्यूब, है ना, तो एक एक टर्म को एक एक कॉलम को अभी आप फिल कर सकते हैं, तो माइनस 10xy 25y स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर वाई 20xy स्क्वायर और माइनस 35x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 45x स्क्वायर वाई क्यूब। अब देखो नेक्स्ट वाला, ये कितना आ जाएगा 6 2 3 6 एक्स क्यूब, इसको देखो माइनस 15 एक्स स्क्वायर और वाई, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और वाई आ जाएगा, है ना, अब इसको देखो ये कितना आ जाएगा बच्चों 9 3 3 9 एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स दो बार और एक्स स्क्वायर एक्स दो बार एक्स टू दोबारा 4, अब इसको देखो तो ये कितना आ जाएगा माइनस 12, नंबर्स को मल्टीप्लाई करो माइनस 4 इंटू 3 12, फिर एक्स वाले नंबर्स एक्स यहां पर एक है यहां पर एक्स दो है एक्स तीन आ गए, है ना, और फिर वाई। अब इधर देखो
सेवन थ्री जा 21 लिख लिया, फिर एक्स स्क्वायर दो बार, एक्स स्क्वायर दो बार, एक्स चार बार, फिर वाई, फिर उसके बाद माइनस नाइन इंटू थ्री कितना आ जाएगा 27, माइनस 27 लिख लिया, एक्स टू टाइम्स, टू टाइम्स, फोर टाइम्स, और फिर वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसके बाद देखो ये वाला पार्ट, माइनस एट, टू और फोर एट, एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर वाई, ऐसा कुछ आएगा। अब इसके बाद एट रैंडम अभी अपन लोग ऐसा ऐसे में ले लें, जरूरी नहीं है ऐसे में फिल करना, दिस इनटू दिस करूं कितना आएगा, टू सेवन जार 14, 14 इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और वाई। ये अभी हम सिर्फ ऐसा इसलिए कर दे रहे हैं कि आपको कहीं ऐसा नहीं लगे कि दिस टेबल इज टू बी फिल्ड इन दिस मैनर। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप कोई भी दो, जैसे इसको सॉल्व कर सकते हो पहले, है ना, यू कैन सॉल्व एनी पार्ट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, टू नाइन जार 18, नंबर पहले नंबर माइनस 18, फिर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब, फिर उसके बाद वाई स्क्वायर। कहने का मतलब है यू कैन आइदर फिल दिस इन दिस मैनर और इन दिस मैनर, कैसे भी करो। अब देखो माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 20 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद एक्स वाले नंबर्स लिख लो, एक्स एक ही है यहां पर नहीं है एक्स, है ना। अब इसमें वाई इंटू वाई कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर। अब इसके बाद इधर देखो, 7 5 35, माइनस 35, फिर एक्स स्क्वायर, लो भाई एक्स स्क्वायर आ गया, और फिर वाई इंटू वाई विल बी व्हाट, वाई स्क्वायर। और उसके बाद इसको देखो, माइनस 5 इंटू माइनस 9 कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस 5 इंटू माइनस 9 विल बी 45, ये 45 आ गया। वाई अभी तो पहले एक्स देखना, तो एक्स स्क्वायर आ गया, फिर वाई क्यूब, है ना। सो यू कैन आइदर फिल इन दिस वे और दिस वे, आपको अगर पहले इसको करना है, फिर इसको जैसे भी करना है, तो ये अभी आप कर लेना, आप कर सकते हो, तो आपको जैसे भी अच्छा लगे। माइनस 12 नंबर्स पहले, 3 4 12, 3 और 4 12, फिर एक्स दो है, एक्स एक है, एक्स तीन हो गए, वाई कितने हैं, वाई बच्चों एक है, फिर इसको इससे करें तो कितना आएगा, 21 आ गया, फिर एक्स दो है, दो ऑलरेडी है, चार हो जाएंगे, वाई आ गया, वाई एक है। अब इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 27 आया, फिर एक्स दो है, फिर से एक्स दो है, तो चार हो गए, वाई स्क्वायर आ गया। अब इधर देखो, इसमें कितना आएगा, माइनस 4 इंटू माइनस 4 विल बी व्हाट, प्लस 16 हो गया, फिर x ऑलरेडी यहां पर है तो x स्क्वायर आ गया, ठीक है, फिर y भी है तो y स्क्वायर आ गया। अब इधर देखो इस वाले में, माइनस 4 इंटू 7 माइनस 28, ठीक है, x वाले नंबर्स देखो, अब x बच्चों एक है, यहां पर x दो है तो x क्यूब आ गया, फिर y यहां पर भी है और y यहां पर भी है तो y स्क्वायर आ गया। अब इसको इससे करो तो कितना आएगा, या जाएगा 36, फिर x वाले नंबर्स, x यहां पर 1 है, x यहां पर 2 है, तो x क्यूब आ गया, y है और y स्क्वायर है, तो मतलब ये y क्यूब आ गया। सो वी आर लेफ्ट विद दिस। अब देखो 7 इंटू माइनस 4 माइनस 28, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स, एक्स क्यूब आ गया, फिर वाई और वाई, वाई स्क्वायर आ गया। अब इसको इससे करो, 7 7 49 नंबर, 7 और 7 49, फिर एक्स देखो, एक्स यहां पर दो है, एक्स यहां पर दो है, तो एक्स चार हो गए, फिर यहां पर वाई है और ये वाई है, तो ये वाई स्क्वायर हो गया। अब लास्ट वाले को देखो, 7 9 63 माइनस 63, एक्स दो है, यहां पर भी एक्स दो है, तो एक्स चार हो गए, वाई एक है और वाई दो है, तो वाई तीन हो गए, ठीक। अब इसके बाद लास्ट वाले को देखो, लास्ट ही आ जाएगा, हम माइनस 9 इंटू माइनस 4 36, फिर एक्स
यहां पर दो है, एक्स यहां पर एक है, तो एक्स क्यूब आ गया, ठीक है। फिर वाई दो है, वाई एक है, तो फिर से वाई तीन आ गए। अब इधर पर देखो, 9 7 63, तो माइनस 63 आ गया बच्चों। एक्स दो है, यहां पर एक्स दो है, तो एक्स फोर आ गए। फिर वाई दो है और वाई यहां पर एक है, तो वाई तीन बार आ जाएगा, तीन बार मल्टीप्लाइड है। माइनस नाइन इंटू माइनस नाइन 81, प्लस 81। एक्स यहां पर दो बार मल्टीप्लाइड है, एक्स यहां पर दो बार मल्टीप्लाइड है, एक्स चार बार मल्टीप्लाई होगा। वाई दो बार है, यहां पर वाई दो बार है, तो वाई चार बार। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड। तो बच्चों प्रैक्टिस जरूर करना, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन ये इसलिए अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे इसमें उन्होंने मल्टीप्लीकेशन करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों वॉल्यूम निकालना है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ। इसके कुछ कुछ पार्ट्स हैं बच्चों, लेंथ फर्स्ट पार्ट है ये, फिर उसका सेकंड पार्ट है, उसके बाद थर्ड पार्ट, और उसके बाद ये फोर्थ पार्ट। अब इसमें लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है। लेंथ कितनी है बच्चों? 5a 3a स्क्वायर। हमने ऐसा टेबुलर फॉर्म में नहीं दिया, लेकिन अभी हमने टेबुलर फॉर्म में किया है तो हमें मजा आ गया, हम उसी फॉर्म में कर दे रहे हैं। 7a^4। अब वॉल्यूम बताना है तो बार बार अभी हमें लिखना नहीं पड़ेगा, एल इंटू बी इंटू एच, है ना। ये कितना आ जाएगा बच्चों? वॉल्यूम, वॉल्यूम इन दिस केस विल बी 5a इंटू 3a इंटू 7a। करने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, कैसा? नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो। नंबर्स 5 3 15 15 7 7 105, और a कितनी बार है? एक बार इधर मल्टीप्लाइड है, दो बार इधर और चार बार इधर, तो 8^1 + 2 + 4, है ना, तो 105 8^7 आ जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक। अब इसमें देखो नेक्स्ट पार्ट में 2p 4q 8r, 2p 4q and 8r, वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, लेंथ ब्रेथ और हाइट, मतलब 2p × 4q × 8r। करने का तरीका क्या है? पहले आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 8 8 8 64 64 आ गया pqr। सो दिस इज द आंसर, है ना, सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये वाला। जैसे क्वेश्चंस अपन लोगों ने कर लिए उसके बाद तो ये इजी लग रहा होगा, है ना। एक्स वाई यहां पर लिख दी है और ब्रेथ कितनी दी है? 2x²y। बताओ ऐसी कोई ब्रेड देता है क्या? ये लोग जैसी दे रहे हैं 2xy², है ना, परेशान कर रहे हैं तुम लोगों को। लेंथ ब्रेड तो हाइट, ये आ गया xy × 2x²y × 2xy², है ना। करते कैसे हैं बच्चों? नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, नंबर्स मल्टीप्लाई कर लिए, नंबर्स कितने होगा? 2 × 2 = 4। अब x कितनी बार मल्टीप्लाइड है? एक एक चीज सॉल्व करते जाओ, x एक बार मल्टीप्लाइड है, दो बार मल्टीप्लाइड है, एक बार ये है, एक बार और दो बार और एक बार, मतलब एक और दो तीन और एक चार, तो चार बार x मल्टीप्लाई हो गया। y एक बार, फिर एक बार, फिर दो बार, एक और एक और एक, एक और एक और दो, मतलब ये चार, तो y^4। सो द आंसर टू दिस विल बी 4x^4 y^4। अब आखिरी वाला देखो, a 2b और 3c, ये a है, ये 2b है, ये 3c है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ए इंटू 2b × 3c, लो खत्म हो गया ये भी, ये आ गया 6abc। अब नेक्स्ट देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों एक एक प्रॉब्लम को अलग अलग सॉल्व करना। हमने तो अब टेबल में किया था पिछला प्रॉब्लम, तो टेबल हमें अच्छी लगी है ना, तो अभी हमें बार बार LBH नहीं लिखना पड़ा, बार बार वॉल्यूम का फार्मूला नहीं लिखना पड़ा है ना, ये फायदा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, इनको मल्टीप्लाई करना। तो कैसे करेंगे बच्चों, इसमें x वाले टर्म्स इकट्ठे कर लो, x इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया वाई स्क्वायर और ये आ गया जेड स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया। सेकेंड, a माइनस ए स्क्वायर और ए क्यूब, a इंटू माइनस ए स्क्वायर एंड ए क्यूब, तो बच्चों क्या आएगा इसमें, माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा, ए एक बार है, फिर ये दो बार है और ये तीन बार है, तो पावर ऐड हो जाते हैं ना, तो माइनस ए टू द पावर ऑफ 6 ऐसा लिख सकते हैं। और इफ यू कैन राइट डाउन डायरेक्टली देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम है, अभी हम लोग ये मान के चलते हैं कि एक्सपोनेंट्स आपसे अच्छे से बनता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है, 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू वाई टू दोबारा 1 प्लस 2, एक बार दो बार और ये तीन बार, ये आ गया 8, 8 जा 64, 64 इंटू 16 करना है, 16 4 जा 64, 16 6 जा 96 एंड 6 102, तो ये 1024 वाई टू दोबारा 6 ऐसा कुछ आ जाएगा थर्ड पार्ट, तो चेक कर लेना बच्चों। फोर्थ पार्ट देखो, a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc, लो भैया नंबर्स देख लो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6, फिर a इंटू a इंटू b इंटू b इंटू c इंटू c, ये कितना आ जाएगा 36 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ऐसे कुछ आ जाएगा, तो टफ तो नहीं, बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद इसका लास्ट पार्ट, m इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी, तो यह आ जाएगा माइनस साइन m इंटू एम इंटू एम तीन बार है, n इंटू एन दो बार है और p एक बार है, तो यह आ जाएगा माइनस एम क्यूब इंटू एन स्क्वायर इंटू पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं है ना, चलो दिस फिनिशेस द एक्सरसाइज बच्चों, एंड वी विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन द नेक्स्ट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।